दो साल हुए जामिया अटैक के, लेकिन अभी तक जस्टिस नहीं हुआ। व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? देखिए, जो सरकार है आज के टाइम पे वो एक मनोवादी सरकार है, और जो ये बोलती है कि हिंदू खतरे में है, और सत्ता के अंदर आते ही वो एनआरसी से जो लेके आए, कानून लेके आए, उससे पहले मुस्लिम लोगों को मारना, मॉब लिंचिंग करना, ये एक कानूनी जुर्म था, लेकिन वो एक इसको कानून बनाना चाहते थे। और जो भी आज लोग यूएपीए के तहत अंदर हैं, जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के ऊपर लोगों के ऊपर अटैक हुआ, स्टूडेंट के ऊपर अटैक हुआ, वो ये साबित करते हैं कि वो बहुत हेट करते हैं उन लोगों से जो आवाज उठाते हैं, उन लोगों से हेट करते हैं जो लोग सत्ता के खिलाफ, स्टेट के खिलाफ बोलते हैं। तो आज हम लोग ये बोलते हैं कि मानते हैं कि हम लोग उनको इंसाफ नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने मनुवादी सरकार को चोट किया है, उन्होंने साबित किया है कि चाहे हमारी कम संख्या है, लेकिन हम लोग लड़ना जानते हैं, हमें पता है कि हमारे अधिकार क्या है। क्योंकि अगर संविधान के अंदर ये बताया जाता है, हमें बच्चों को स्कूल की किताबें के अंदर पढ़ाया जाता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, और उस देश के अंदर पीएम खुद जो ऐसे कानून लेके आते हैं, ऐसी ऐसी भाषा बोलते हैं, और ऐसी स्टेट आती है जो लगातार ऐसे लोगों को मार रही है जो आदिवासियों के भी खिलाफ है, जो सिखों के भी खिलाफ है, जो मुसलमानों के खिलाफ है, और जो महिलाओं के भी खिलाफ है। लगातार रेप हो रहे हैं, लगातार स्टूडेंटों को मारा जा रहा है, लगातार बुद्धिजीवी वर्ग के ऊपर अटैक है। तो आज इंसाफ नहीं मिला, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोग लड़ाई हार गए। लोग आज दो साल पूरे हैं, तो लोग के अंदर जज्बा एक हम लोगों ने देखा है कि वो लड़ेंगे, और वो तब तक लड़ेंगे जब तक ये ऐसी जो रिप्रेशन खत्म नहीं होता। क्योंकि स्टेट को हम लोग सुधार नहीं चाहते, इसके अंदर हम लोग पूरा बदलाव चाहते, पूरा चेंज चाहते हैं, इसको उखाड़ फेंकना होगा। जब तक ये लोग टिके रहेंगे, हम लोग भी अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, और हम लोग जामिया मिल्लिया इस्लामिया के स्टूडेंट के साथ खड़े हैं, और इनकी जो शाहीनबाग की महिलाओं के साथ, मुस्लिम महिलाओं के साथ खड़े हैं, और उन सभी लोगों के साथ खड़े हैं जो स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं।